रोंडा कहती हैं, अगर आप एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप अपनी जिंदगी में चाहे कितना भी स्ट्रगल कर रहे हों, इसके बाद भी आप बहुत कुछ पा सकते हैं। आप अपनी लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस और फ्रीडम को पा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एज, जेंडर या बैकग्राउंड क्या है। आपको यह यकीन रखना होगा कि आप जो चाहें वह पा सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स सभी के लिए इक्वली काम करता है। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में अभी कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन आप अपनी सभी चिंताओं को यूनिवर्स पर छोड़ दें और ऐसा महसूस करें कि इस यूनिवर्स की इनफाइनाइट पावर आपके साथ है। यूनिवर्स आपको वह सब देगा जिसे आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। जिंदगी में खुश रहने का मतलब ज्यादा पैसे से ही नहीं है, इसका मतलब है आप उन कामों को कर पा रहे हैं जो आपकी बॉडी, माइंड, सोल तीनों को डेवलप कर सके। सबसे पहले आप यह समझिए, इस दुनिया में किसी भी चीज को पाने की शुरुआत आपकी सोच से शुरू होती है। आप जो भी चीजें अपने आसपास देख पा रहे हैं, वे सभी चीजें पहले किसी के दिमाग में आई थी। अगर आप सोचते हैं कि मैं अमीर बन सकता हूँ, तो आप उस बात को ही ज्यादा आकर्षित करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि मैं ज्यादा खुश रहना डिजर्व करता हूँ, तो आप उसे ही ज्यादा आकर्षित करेंगे। लेकिन इस यूनिवर्स ने उन सभी चीजों को पाने की शुरुआत आपकी थिंकिंग प्रोसेस से ही होगी। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में कोई चीज पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस चीज के ना मिलने का डर अपने मन से निकाल दें। आप कभी इस बात पर गौर करना, जो लोग अपनी जिंदगी में बहुत परेशान रहते हैं, जो लोग किसी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनका हर एक शब्द उस सिचुएशन के लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होता है। लोग इस तरह से कहते हैं कि मेरे साथ कोई भी चीज अच्छी हो ही नहीं सकती, मुझे पता था यही होगा। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें नहीं पा सकते, क्योंकि उनकी सारी इंटरनल वाइब्रेशन हमेशा नेगेटिव चीजों पर होती है। आप इसे समझें कि यूनिवर्स को मालूम है कि आप तक चीजें कैसे पहुंचानी है, लेकिन ज्यादातर लोग हर समय उन चीजों को लेकर एक डर में रहते हैं। अगर वह मुझे नहीं मिलेगी तो क्या होगा? इस डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करना जो आपके पास है, जिन्हें आप फ्यूचर में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। उन्हें लेकर शक ना करें, चिंता ना करें, केवल ग्रैटिट्यूड करें। नहीं लगता कि कामयाब आदमी जिस चीज को पाना चाहते हैं वे उसे बुरा बोलते हैं, बल्कि वे उस चीज को ज्यादा से ज्यादा अपने साथ देखने की कोशिश करते हैं। उन चीजों के लिए अपने दिल में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखते हैं। बेशक वह चीज उन्हें तुरंत ना मिले, लेकिन उसी समय से वे उन चीजों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करने की शुरुआत तो कर ही देते हैं। लोग अपने खर्चों को देखकर परेशान हो जाते हैं, अपने खर्चों को देखकर बुरा महसूस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में पैसों की कमी है, इसीलिए वे ज्यादा पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। लेकिन मैं इसे बिल्कुल दूसरे तरीके से देखती हूँ। मैं अपने खर्चों को देखकर खुद से बार बार कहती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इस लायक बनाने के लिए कि मैं अपने बिल्स को रीपे कर सकूँ। मेरी जिंदगी में हर चीज है, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इस लायक बनाने के लिए। जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं, तो जो चीज आपको बुरा एहसास कराती है, जिन चीजों के लिए आपके मन में हर समय एक डर बना रहता है, वह समाप्त होना शुरू हो जाएगा और आप अपनी सारी वाइब्रेशंस, फीलिंग्स और एनर्जी उन चीजों पर लगाएंगे जिन्हें आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और आप अपनी जिंदगी में उन्हीं को बढ़ता हुआ देखेंगे। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा।